Good morning class. Today I will explain you the entire digestion process of the food through this video. So let's begin. Human digestive system. Human digestive system is made up of two parts. जो human digestive system है वो किससे मिला है? Two parts से मिलके बना है. First is alimentary canal. Second one is digestive gland. First alimentary canal. Alimentary canal is a long and continuous tube which begins at the buccal cavity and ends at the anus. Alimentary canal क्या है? एक long tube है, continuous tube है, जो कि आपके buccal cavity से start होती है और end कहाँ होती है? Anus में. Second part is digestive gland. Digestive gland secretes the digestive juices which help in a digestion of food. जो digestive glands होते हैं वो क्या secrete करते हैं? Digestive juices secrete करते हैं जो कि आपके food के digestion में help करते हैं. Example कौन कौन से हैं? Salivary gland, stomach, liver, pancreas and small intestine. Okay? Then first one आता है alimentary canal. The canal can be divided into various compartments or a parts. Elementary canal को अपन ने क्या किया है? Various compartments या various parts में divide किया है. तो we will study today the first part, buccal cavity or mouth. Food is taken into the body through mouth. अपनी body में food कैसे अंदर जाता है? किसके through जाता है? Mouth के through जाता है. बकल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. जो बकल कैविटी है उसको अपन ने क्या किया है? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज टीथ. वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ अ टीथ एंड ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. टीथ क्या करता है? च्यू करता है, फूड को चबाने का काम करता है एंड ब्रेक करता है फूड को इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करता है. टाइप्स ऑफ टीथ. द फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ. The first set of teeth grows during an infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed as milk teeth. Infant age क्या होती है? जब baby birth होता है उसके 7-8 month के बाद उसके दांत आना चालू होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? Milk teeth. Because क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? थोड़े दिन के बाद क्या हो जाते हैं? Fall off, गिर जाते हैं 6 to 8 years of age में. B. Permanent teeth. The second set of teeth that replace them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout the life or fall off during old age or due to some dental disease. Permanent teeth कब आते हैं? जब आपके milk teeth गिरते हैं, fall off होते हैं. तो उसका कौन replace करता है? Permanent teeth replace करते हैं और permanent teeth whole life रहते हैं. और गिरते कब है वो? ड्यूरिंग अ ओल्ड एज. किन्हीं कारणों से वो क्या होते हैं? फॉल ऑफ होते हैं, नहीं तो वो होल लाइफ रहते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन फंक्शंस. वी कैन डिवाइड द टाइप्स ऑफ टीथ. अपने जो माउथ है उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ आपके प्रेजेंट है, तो उनको ग्रुप किया गया है. देयर आर टोटल 32 टीथ्स इन अ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं. In 32 teeth, our four different types of teeth are present based on functions and their shapes. उसके shapes के according, उसके functions के according, 32 teeth को अपने four groups में क्या किया है? उसको classified किया है. First one is incisor. It is a sharp in shape. Incisor क्या होता है? Sharp होता है. ठीक है? सामने के जो चार दिखते हैं, ठीक है? सामने के ऊपर के चार और नीचे के चार, ठीक है? अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दोनों में चार चार जो दांत दिखते हैं सामने से, वो क्या होते हैं? इंसीजर. एंड इट इज यूज फॉर कटिंग फूड. जैसे आपने एक बाइट आपको लेना है तो आप क्या करोगे? कट करोगे सामने वाले दांत से, ठीक है? जो फ्रंट साइड में आपके जो टीथ हैं उससे कट करोगे. तो ये कट करने का काम कौन करता है? इंसीजर्स. सेकेंड वन इज कैनाइन. दीज टीथ्स आर शेप्ड लाइक पॉइंट्स. कैनाइंस क्या होते हैं? जो सामने के चार के बाजू में जो दो दांत होते हैं, ठीक है? टू अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं एंड टू लोअर जॉ. तो दे आर ए फोर इन नंबर एंड यूज फॉर टियरिंग ऑफ फूड. ठीक है? टियरिंग मतलब तोड़ना. तोड़ने का काम कौन करता है? आपका कैनाइंस. देन थर्ड वन इज प्री मोलर्स. कैनाइन के बाजू में क्या होते हैं? आपके प्री मोलर्स होते हैं. दीज टीथ हैव अ टू पॉइंटेड कप्स ऑन देयर बाइटिंग सरफेस. अगर आपने यहाँ देखा होगा तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा उसका सरफेस क्या होता है? रफ होता है.
ठीक है, कप्स प्रेजेंट होते हैं एंड 8 इन नंबर, और ये कितने नंबर में होते हैं, 8 नंबर में होते हैं, मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ में 4-4 प्रेजेंट होते हैं एंड इट यूज्ड फॉर द क्रशिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। क्रशिंग करना मतलब बिल्कुल पेस्ट बनाने का काम करते हैं एंड टीयरिंग करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज अ मोलर, दीज टीथ आर सेवरल पॉइंट्स ऑन द बाइटिंग सरफेस, जो सबसे अंदर वाले दांत होते हैं उसमें आपको अगर आप टच करके देखोगे तो बहुत सारे क्या मिलते हैं, कप्स मिलते हैं, कप्स मतलब उठा हुआ हिस्सा, सरफेस थोड़ा सा उसका उठा हुआ रहता है, रफ होता है। 12 इन नंबर एंड इट इज यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग द फ्रूट, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट, जो बिल्कुल आपका फूल को पेस्ट बना दे, ठीक है, उसका काम कौन करता है, मोलर्स। हियर यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ओके। सो द फर्स्ट फोर इन नंबर इट्स कॉल्ड इनसीजर, दिस वन इज इनसीजर, पॉइंटेड है, दिस वन इज शार्प and it is called the canine, and these two and these two are known as premolars, and these three is called as molars, okay. The second part of the buccal cavity is saliva. Saliva is a fluid that is secreted by a salivary gland. It contains salivary amylase enzyme which break down the starch into sugar. स्लाइवा क्या है, एक फ्लूड है, फ्लूड मतलब उसको सॉफ्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्लाइवा। इट्स सिक्रेटेड बाय स्लेवरी ग्लैंड, ये किसे सिक्रेट होता है, स्लेवरी ग्लैंड वो सिक्रेट करता है एंड कंटेन स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट, स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च इंटू शुगर, जो भी आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है या स्मॉल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट कर दे। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी का जो बैक होता है उसके फ्लोर से क्या अटैच होती है, आपकी टंग अटैच होती है, वो कैसी होती है, फ्लैशी, अगर आप उसको टच करके देखोगे तो कैसी होती है, फ्लैशी, दबती है, सॉफ्ट होती है एंड मसल से बनी है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मस्कुलर ऑर्गन। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। अब आप लोग टंग जब बात करते हो, ठीक है, टॉकिंग करते हो तो क्या होता है, उसमें आपकी जो टंग होती है वो मूव करती है ऑल डायरेक्शंस में, तो ये फ्री है, फ्रंट में कैसी है, फ्री है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ टंग, टंग हेल्प इन अ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वलोइंग फूड, ठीक है। टंग क्या करती है, आपकी जो सलाइवा प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करती है फूड से, क्योंकि उसको फूड को क्या बनाना है, सॉफ्ट बनाना, सॉफ्ट बनाएगी जब भी वो फूड पाइप से क्या हो जाएगा, इजिली सोलोड हो पाएगा, इजिली ट्रेवल हो पाएगा, अगर हार्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, गले में जाके अटक जाएगा, ठीक है। टंग ऑल्सो हेल्प इन टेस्टिंग द फूड बिकॉज इट हैज टेस्ट बर्ड्स, क्या होते हैं इसके पास, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसलिए अपन टेस्ट भी किससे लेते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ टंग, दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, जो टंग होती है वो डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं आपके फूड को उसको डिटेक्ट करती है। हियर यू विल सी द डायग्राम ऑफ द डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स, द फर्स्ट लाइन यू विल सी इन योर टंग इट्स सॉल्टी, ये सॉल्ट आपके फूड जो सॉल्टी आइटम्स जो आपके होते हैं उसको डिटेक्ट करती है। देन सेकेंड वन इज इट स्वीट एंड दिस पार्ट इज फॉर द सॉर फूड के लिए एंड द लेस्ट बैक पार्ट इज फॉर द बिटर फूड, ओके। Here you can see the different regions of the tongue for the different taste. Second part of the alimentary canal is food pipe or a oesophagus. ठीक है? Second part क्या है आपका? Food pipe or a oesophagus. The solute food passes into the food pipe or a oesophagus. जो आपका tongue ने क्या किया था? Swallow किया था food का. अब वो किसमें enter हो जाएगा आपका food? Oesophagus में enter होगा और a food pipe में enter होगा. द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड चेस्ट, आपके नेक से चेस्ट से होते हुए वो फूड किस में आएगा, आपके स्टमक में आएगा। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय अ मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है, थोड़ी हार्ड होती हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है, जो कि आपके फूड को नीचे जाने में, डाउनवर्ड पुश करने में आपका क्या करता है, हेल्प करता है। हियर यू कैन सी द डायग्राम, जो कि क्या शो कर रहा है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन अ ओसोफेगस, आई विल एक्सप्लेन दिस। हियर इज द फूड, यहाँ फूड है आपका,
और ये आपकी जो पाइप है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओसोफेगस और अ फूड पाइप, ठीक है। एंड दिस वन इज द स्टमक, हियर इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी से अटैच करता है फूड पाइप किसको, स्टमक से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अटैचमेंट कर रहा है। मूवमेंट कैसे होगा इसमें, ये फूड है यहाँ पे, इसकी जो मसल्स की वॉल है वो क्या हुई, रिलैक्स हुई, ठीक है। जैसे फूड आगे की तरफ मूव करेगा तो उसकी जो मसल्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस टाइप से आपका क्या हो रहा है, फूड का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड देन थर्ड पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल इज द स्टमक। द लास्ट थिंग इन द ओसोफेगस इज हियर नो डाइजेशन ऑफ फूड इज टेक प्लेस। यहाँ पे कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होती है, ना ही कोई एंजाइम रिलीज होती है, ना ही कोई डाइजेशन होता है फूड का। बगल कैविटी में होता है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है, स्लाइवा रिलीज करती है, स्लाइवा में स्लाइवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है, बट यहाँ ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैट एंड, और कैसा है, फ्लैट एंड है, चिपटा हुआ है। एंड इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का, वाइडेस्ट पार्ट है मतलब बहुत ही चौड़ा पार्ट है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड, ठीक है। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्टमक कैसा है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, और कैसा है, फ्लैट एंड है, चिपटा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, वाइडेस्ट है मतलब बहुत ही चौड़ा पार्ट है। आपने अभी देखा फूड पाइप क्या था, बिल्कुल पतला पतला था। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, यहाँ पे क्या हुआ आपका, फूड पाइप एंड हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था बकल कैविटी और आपका स्टमक को कौन कनेक्ट करता है, फूड पाइप और ओसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओसोफेगस एंड हो गया, और यहाँ से आपका क्या हुआ, आपका स्टमक वाला पार्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड कहाँ होगा, यहाँ पे क्या आपका क्या आएगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो स्टमक है वो किसको कनेक्ट करता है, आपके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, ठीक है। एक जगह से ओपन होगा किसके लिए, फूड पाइप के लिए, एंड द अदर एंड से किसके लिए, किसको कनेक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करेगा। एंड व्हाट आर द फंक्शंस, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स द म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो इनर लाइनिंग होती है, ये आपकी जो लाइनिंग यहाँ पे शो हो रही है, ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है, HCl एसिड रिलीज करती है, ठीक है। एंड म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस आप लोगों को पता है HCl क्या है, एसिड है, ठीक है। HCl एसिड है मतलब बहुत ज्यादा तेज एसिड है ये, ठीक है, इसका pH बहुत ही कम होता है। फंक्शन ऑफ म्यूकस, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये इतना तेज एसिड है तो आपकी वॉल क्या हो सकती है, स्टमक की वॉल क्या हो सकती है, जल सकती है, बर्न आउट हो सकती है, ठीक है। बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास क्या है, म्यूकस है, म्यूकस इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाई क्यों प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। द एसिड किल्स द मैनी बैक्टीरिया डेट्स एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प इन डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट अपॉन इट, ठीक है। जो थर्ड पार्ट आपका डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज जो हुआ है आपकी इनर लाइनिंग से, वो कब एक्ट करेगा, जब आपका मीडियम एसिडिक होगा, और एसिडिक कौन बनाएगा, HCl बनाएगा। एंड देन सेकेंड फंक्शन ऑफ HCl इज इट किल्स द बैक्टीरिया। आपने फूड खाया है, आपको नहीं पता है कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, यू कैन नॉट सी विद द नेक्ड आईज, आप उसको नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। बट अपना सिस्टम इतना अच्छा है कि जैसे ही वो HCl में जाएगा तो सारे के सारे जो बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। इसलिए स्टमक का मीडियम जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। यू कैन ऑलरेडी नो दैट
माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? ग्लूकोज में, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया था। हियर, यहाँ पे किसका डाइजेशन होगा? ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब आप लोगों को पता है प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स में। एंड देन फोर्थ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड एंड इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये कैसी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, बट कैसी होती है? ऐसे 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 कैसी होती है? कॉइल्ड होती है। कॉइल्ड मतलब क्या होता है? कॉइल्ड मतलब गुच्छा होती है, ठीक है। इट्स रिसीव्ड सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। बिसाइड दिस इट्स वॉज ऑल्सो सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। जो आपका पेनक्रियास होता है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसमें किसका सिक्रीशन आता है? आपका लीवर और पेनक्रियास। लीवर और पेनक्रियास क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो कि क्या करती हैं? एंजाइम रिलीज करती है डाइजेशन करने के लिए फूड को। और उसके और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? रिलीज करता है। तो फर्स्ट फूड में आके क्या मिक्स होगा? लीवर का जूस एंड पेनक्रियास का जूस। अब लीवर क्या है? लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये क्या है? एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब याद रखना, अगर पूछ सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्या है? लीवर। इट सिक्रीट्स बाइल जूस। ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। मैंने बोला था लीवर क्या होता है? जूस सिक्रीट करता है। उसका नाम क्या है? बाइल जूस। इट इज स्टोर इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है लीवर में, वहां पे ये क्या होता है? स्टोर होता है, और जैसे ही फूड होता है वैसे ही रिलीज हो जाता है। द बाइल जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब आपने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ लिया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, अब फैट बचा था, तो फैट का डाइजेशन कौन करेगा? लीवर से जो सिक्रीट बाइल जूस है वो डाइजेशन करेगा फैट्स का, और फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका फैटी एसिड एंड क्रिस्टल्स में। एंड सेकेंड पार्ट इज पेनक्रियाज। इट इज अ क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल जस्ट नीचे आपका क्या होता है? लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। और ये क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड पेनक्रियाटिक जूस सब में आपके एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है, फैट्स प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। सबको क्या कर लेता है? और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज दिखते कैसे हैं? दिस लीव लाइक स्ट्रक्चर, I already told that the pancreas is a leaf-like structure. ये क्या है? Leaf-like structure है। इस leaf-like structure को हम क्या बोलते हैं? Pancreas, ठीक है। Pancreas क्या release करता है? Pancreatic juice। ये small intestine का part है, ठीक है। यहाँ पे क्या release करता है? Pancreatic juice। ये क्या है पूरा आपका? Liver। और ये green structure जो है वो क्या है? Gall bladder। क्या है? Gall bladder। तो बाइल जूस क्या होता है? लीवर में फॉर्म होता है, स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर का जो ये नर्व वाला पार्ट है वो किससे कनेक्ट होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये कहाँ रिलीज करता है आपका बाइल जूस? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सी इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स इंस्टेंटेनल जूसेस। मैंने बोला है कि स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है वो इंस्टेंटेनल जूस सिक्रीट करता है, विच डाइजेस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो आपके फूड के जो कंपोनेंट्स है सबको अल्टीमेटली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में, एंड प्रोटीन्स को किसमें? अमीनो एसिड्स में, ठीक है। दिस वन डेट द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्ट हो गया फूड का, अब उसका क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्ब कौन करेगा? ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए,
ठीक है, एनर्जी क्यों चाहिए? वर्क करने के लिए. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. ठीक है, मैंने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है एज अ कॉइल लाइक ट्यूब होती है. ठीक है, जो कॉइल लाइक ट्यूब होती है उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड विलाय. इसको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं. जो विलाय है वो क्या है, प्लूरल है. जब बहुत सारी है तो हम क्या बोलेंगे, विलाय. और सिंगुलर का बोलते हैं, जब वो सिंगल है तो हम क्या बोलेंगे, वायलस. द विलाय इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. विलाय क्या करती, इंक्रीज करती, सरफेस एरिया को बढ़ाती है, एब्जॉर्प्शन करती है किसका, डाइजेस्टेड फूड का. हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ विलाय. सिंगल हम आपको वायलस शो सिंगल आपको वायलस शो कर रहे हैं क्योंकि हम सिंगुलर हैं, मतलब सिंगल विलाय शो कर रहे हैं. ठीक है, हियर यू कैन सी द आउटर कवरिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की ये आउटर लेयर है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फाइन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है क्योंकि हमें क्या करना है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करना है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जैसे ही ये फूड ये अंदर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्व हो जाएगा. अब ये विलाय प्रेजेंट क्यों है, विलाय इसलिए प्रेजेंट होती है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है क्योंकि डाइजेशन करने एब्जॉर्प्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, इसलिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है, कॉइल्ड है. ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड शॉर्टर भी होता है. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. ये कितना मीटर लेंथ में होता है, 1.5 मीटर लेंथ में होता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता था, 7.5 मीटर. फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपका फूड है वो किस में आएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा. लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या एब्जॉर्ब होगा, आपका जो लेफ्ट ओवर वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, सॉल्ट मतलब Na+, K+, ये क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इन टू द रेक्टम. इसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, रेक्टम से. एंड रिमेन्स देयर इज सेमी सॉलिड फेसेस. सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में होता है, बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है. सॉलिड होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, इजेक्शन में आपको क्या होगा, पेन होगा. द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस. और अल्टीमेटली आपका जो फीकल मैटर है वो किससे होता है, रिमूव जो होता है थ्रू द एनस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन, क्योंकि फाइव स्टेजेस डायजेस्टिव सिस्टम की आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो. थैंक यू क्लास.